बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशाबाद रखे, जहाँ रहें मुस्कुराते रहें। आज फिर से मैं एक ऑयल लेके आई हूँ जो कि आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा, आपको खूबसूरत बनाएगा। एक ऑयल कितनी आपकी स्किन प्रॉब्लम्स ख़त्म करेगा, आज की वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। आज मैं आप लोगों के लिए जो ऑयल लेके आई हूँ वो है लेमन ऑयल, प्योर असेंशन ऑयल। ये किस लिए होता है? लेमन स्किन पे ब्लीच का काम करता है, स्किन को लाइट करता है, स्किन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है। आपके चेहरे से एक्नी, ऑयल, पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स सबको ये रिमूव करता है। लेकिन इस ऑयल को आप डायरेक्ट फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसे किसी न किसी चीज़ में मिक्स करके आपको लगाना होता है। अगर आप डायरेक्ट लगाओगे तो आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। चलिए मैं आपको खोल के ये ऑयल दिखा लूँ किस तरह का है। ये देखिए, इस तरह का ये ऑयल है और आपने सिर्फ चंद ड्रॉप्स इसके इस्तेमाल करने हैं। आप इसे जो भी सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आप इसे मिक्स करके लगा सकते हो, जो भी फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे हो उसमें आप इसे मिक्स करके लगा सकते हो। अभी मेरे पास ये गोल्डन बर्ड क्रीम है, लेकिन आप जो भी अपनी डे और नाइट क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं ना उसमें आप इसे मिक्स करके लगा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इस ऑयल को मिक्स नहीं करना, सिर्फ चंद ड्रॉप्स आपने अपनी डे या नाइट क्रीम में मिक्स कर लेने हैं और इसे लगाना है। और ये नहीं कि आपकी वो जो जैसी ये गोल्डन पर्ल क्रीम है कि आप सोचें कि इस गोल्डन पर्ल का तो हम पे कोई असर नहीं होगा, ये फिर ऑयल का ही होगा। नहीं, आपको क्रीम का अलग से आपकी स्किन पे असर होगा और इस ऑयल का अलग से होगा, यानी कि दोनों ही चीज़ें आपकी स्किन को फ़ायदा देंगी और आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगी। ये लेमन ऑयल ना आप किसी भी अपनी क्रीम में, फेस वॉश में, सीरम में, यहाँ तक कि जो भी आपके बॉडी लोशंस वगैरह होते हैं उनमें आप मिक्स करके लगा सकते हैं, फेस पैक में मिक्स करके लगा सकते हैं। जैसे संदल पाउडर कोई भी आप फेस पैक उसका बनाते हो तो उसमें आप इसे मिक्स कर सकते हो, यानी कि इसे आपने डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल करना, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये पिगमेंटेशन एक्नी को ख़त्म करता है, ऑयल को ख़त्म करता है, स्किन को बहुत साफ सुथरा और ख़ूबसूरत बना देता है और स्किन पे बहुत ज़बरदस्त सा ग्लो लेके आता है। ये जितना आप इस्तेमाल करोगे उतना ही आपको इसका फ़ायदा होगा। और इसको आप जैसे ये कोकमर जेल है, इसमें भी आप इसके चंद ड्रॉप्स डाल के आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो, हाथों पैरों पे, फुल बॉडी पे आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेहतरीन ऑयल है, ये आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप खुद घर में पता नहीं कितने लेमन आपके पास हों तो इतना सा ऑयल आपका बनेगा, लेकिन अगर आप मार्केट से लोगे ना तो थोड़े से पैसों में इतना सारा ऑयल आपको मिल जाएगा और जो कि जल्दी ख़त्म भी नहीं होगा। चाहे आप सीरम में यूज़ करो, फेस वॉश में यूज़ करो, क्रीम में यूज़ करो, लोशन में करो, यानी कि आप जितना मर्ज़ी यूज़ कर सकते हो, लेकिन घर में आप ऑयल तो बना नहीं सकते, इसलिए बेहतर है कि मार्केट का आप ऐसे कोई लेमन ऑयल लो और इस्तेमाल करो। और एक्नी वाले ये ना समझे कि हम ऑयल नहीं लगा सकते, ये ऑयल है पिम्पल्स एक्नी की प्रॉब्लम वाले लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है, वो भी इसे लगा सकते हैं। तमाम स्किन टाइप के लोग इसे लगा सकते हैं, ये तमाम स्किन टाइप के लिए वो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि हमारी नॉर्मल स्किन है या ड्राई स्किन है या ऐसी स्किन है, हम इसे अप्लाई करें या ना करें। एक तो इसके ऊपर भी लिखा हुआ है और मैं खुद आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ताकि कि अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर लें। अगर आप ऑयल की ये बॉटल अगर एक आप ले आते हो ना तो ये बहुत टाइम तक आपकी चल जाएगी, क्योंकि आपने चंद ड्रॉप्स इसके लेने होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कहीं आप इसे यूज़ ना कर लीजिएगा, जब मैंने कहा है कि 3 से 4 ड्रॉप्स, तो सिर्फ इतने ही आपने अपनी क्रीम में, लोशन में, किसी में भी मिक्स करने हैं, बहुत ज़्यादा आपने नहीं कर लेने कि आप सोचें कि अगर हम हाफ बॉटल यूज़ कर ले तो हमें ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, फिर ये स्किन पे प्रॉब्लम कर सकता है। जितना मैंने बताया चंद ड्रॉप्स, तो आपने सिर्फ चंद ड्रॉप्स ही इसके मिक्स करने हैं, ज़्यादा करने से प्रॉब्लम हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें।
चलिए अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।